हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिसका रिजल्ट कल आ गया है। किसने बारी बाजी, कौन कहां से कितना परसेंट वोट पाया, किसको कितनी सीट मिली, सारी डिटेल दूंगा मैं। तो दोस्तों पहले जान लीजिए कहां कहां पे चुनाव हुआ। तो चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान में, जो कि यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। और ये जो मैं डिटेल दे रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ की, जिसमें 90 सीटें चुनाव लड़ा गया, जिस बहुमत के लिए जो है जिसमें 46 सीट चाहिए, जिसमें से कांग्रेस ने जीती है 68 सीटें, जिसमें उसे 75.6% वोट मिला है, और बीजेपी ने 15 सीटें जीती है जिसमें उसको 16.7% वोट मिला है। और वहाँ पे बीएसपी ने भी 2 सीट जीती है और सीपीआई को भी कुछ वोट मिला हुआ है। तो दोस्तों अगली जो है डिटेल है वो मिजोरम की है। तो वहाँ पे 40 सीटें थी, बहुमत के लिए 21 सीटें चाहिए थी, तो MNF ने 26 सीट जीत ली है, जिससे उसको बहुमत मिलकर वो अपनी सरकार बना लिया। और कांग्रेस ने वहाँ पे 5 सीट जीती और बीजेपी को 1 सीट मिली हुई है। अन्य पार्टियों ने 8% वोट पे कब्जा किया। अगली जो है डिटेल है वो राजस्थान के लिए है। बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए थी, कांग्रेस ने जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो जिसमें से 2 सीट कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती और 99 सीट जो है कांग्रेस ने जीती है, जिसमें उसको 49.5% वोट मिला है। और बीजेपी ने 73 सीट जीती है, जिसमें उसको 36.5% वोट मिला है। बीएसपी ने 6 सीटें जीती है, जिसमें उसको 3% वोट मिला है। तो कांग्रेस ने यहाँ पे बहुमत बना ली है, क्योंकि उसका गठबंधन कम्युनिस्ट पार्टी से था, उसको 2 सीट मिली है। और यहाँ पे अन्य ने 21 सीटों पे कब्जा किया, जिसमें से पूरे वोट का 10.5% वोट उसको मिला। अगली जो है ये तेलंगाना के लिए आई हुई है, जहाँ पे टीआरएस ने बाजी मार दी, 88 सीट जीती है, 73.9% वोट कब्जा किया। कांग्रेस ने 19 सीट जीती है, जहाँ पे 16% उसको वोट मिला हुआ है। एमआईएम ने 7 सीट जीती है और बीजेपी को सिर्फ 1% वोट मिला है, सॉरी 1 सीट मिली है। अगली जो डिटेल है वो मध्य प्रदेश की है, जिसमें 230 सीटों पे चुनाव लड़ा गया, जिसमें से उसको बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए थी, जिसमें से कांग्रेस ने 114 सीट जीत ली थी और 49.6% उसको वोट मिला है। बीजेपी को 109 सीट मिली हुई, 47.4% वोट मिला हुआ है। और बीएसपी को 2 सीट मिली हुई और एसपी समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट मिली हुई है। यहाँ पे अन्य में 5% में उसकी एक जो है 5 सीट में उसकी ये भी 1 सीट है। तो ये रहा 5ों राज्यों का जो है चुनाव का रिजल्ट। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए अपनी राय दें। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप कहना चाहते हो तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं।